Friends, let's start today's topic, pair of linear equations in two variables, exercise 4.2. We are going to start new exercise, that is 4.2. Okay, this is the last exercise as 4.3 is there for project and activity. Okay, let's start. I'll just read the question. From the ratio of incomes of two persons is 9:7. Ratio of incomes of 2%, दो लोगों के इनकम का रेशियो दे दिया, दैट इज 9:7. एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर जो स्पेंड कर रहे हैं वो लोग का भी रेशियो दे दिया, दैट इज 4:3. इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव रुपीज 2000 पर मंथ, इफ दे मैनेज टू सेव रुपीज 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम. ईजी क्वेश्चन मा, ईजी होता, टफ नहीं है. रेशियो ऑफ, ये आपको दे दिया उन्हें, फर्स्ट प्रॉब्लम, रेशियो ऑफ इनकम्स, रेशियो ऑफ इनकम्स इज 9:7, ये दे दिया उन्हें. हम कभी भी रेशियो जब निकालेंगे तो वी आर गोइंग टू पुट सम कांस्टेंट. हम जब रेशियो हटाएंगे तो हम कुछ तो भी कांस्टेंट डालना पड़ता है. लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, let the income of first person be 9x. रेशियो हटा रहे हैं तो हम कुछ कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं, दैट इज 9x. एंड द इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन सेम कॉन्स्टेंट लगाएंगे हम दोनों को, 7y. ओके, ये हो गया वो लोग का इनकम. अब रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर भी दे दिया, मैं कितना है मां, 4:3. रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है मां, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 4:3. जब हम यहां से भी, हम जब रेशियो जब हटा देंगे तो यहां पर भी कांस्टेंट डालेंगे दोनों को सेम, तो हम यहां पर क्या डालेंगे, वाई डालेंगे. सो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना है मां, दैट इज 4y. एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन इज 3y. अब हमको इक्वेशन और दोनों की सेविंग्स दे दी मां, दोनों को सेम सेविंग्स हुआ. सेविंग्स इज हाउ मच, रुपीज 2000. दोनों कितना बचा रहे हैं, 2000 बचा रहे हैं. आप लोगों को पता है मां, इन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम. जो हम इनकम जो अपनी रहती है जिसमें हम एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को ऐड करें तो अपनी इनकम आ जाती है. एज वी ऑल नो, सेविंग्स इज इक्वल्स टू द इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. हम इससे हम इक्वेशन बनाएंगे. देखो मैं, बहुत ईजी है, सॉल्विंग भी बहुत ईजी है. देख लीजिए आप, दैट इज सेविंग इज हाउ मच, 2000. इनकम कितना है मां, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन. देख लिया आप लोग, इनकम कितना है मां, इनकम इज ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना है मां, 9x. एंड एक्सपेंडिचर कितना है मां, 4y. इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन का अपन इक्वेशन बना रहे हैं, फर्स्ट पर्सन का, दैट इज 9x इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 4y इज इक्वल्स टू सेविंग, दैट इज 2000. दिस इज इक्वेशन वन. अगर मैं पेज पलटा दी तो आप लोगों को नहीं आता, इसलिए यहीं पर ही दिख रही मैं. अब ये क्या बना है, फर्स्ट पर्सन का बना है इक्वेशन. वैसे तब हम सेकेंड पर्सन का बनाएंगे मां, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स. ये क्या हो गया मां, आपका इक्वेशन टू. नाउ सॉल्विंग 1 and 2. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड 1 and 2 टू गेट इनकम ऑफ बोथ द पर्सन. टू सॉल्व द इक्वेशन क्या करना है मैम, हमको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पता है हाउ टू सॉल्व इट. सॉल्व कैसा करेंगे मैम, हम ये वाले इक्वेशन, फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकेंड वालों से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7, और सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से, टू मेक एक्स, नो सी वॉट वी विल डू हियर, वी विल मेक वाई टर्म इक्वल. हम यहाँ पर y टर्म को करेंगे, वैसे हम किसको भी कर सकते हैं, क्यों, अपने को इनकम चाहिए. अब हम y फाइंड करके x फाइंड करके वो लंबा हो जाता. हम डायरेक्टली अगर यहाँ पर
हम डायरेक्टली यहाँ पर अगर हम x को कैंसिल कर सॉरी y को कैंसिल कर दिए तो अपने को इनकम आ जाती, तो अपने को y को कैंसिल करने के y के टर्म्स को इक्वल करना रहेगा। सॉरी आप चाहो तो x भी फाइंड करके y फाइंड करके एक लंबा हो जाता है, ये शॉर्टकट मैं बता देती हूँ आपको। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन बाई थ्री, नीचे वाले इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वालों को फोर से, क्यों हम y को कर रहे हैं। नाइन थ्री जा 27x माइनस 4 3 12y इज इक्वल्स टू 3 2 6 दैट इज 6000। 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद ना साइन चेंज कर देंगे जिससे ये कट जाता, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2000। माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू 2000। हम क्यों एक्स लेकर आए माँ, हम चाहो तो वाई भी ला सकते, देन सब्स्टिट्यूटिंग वाई नई नई इक्वेशन एंड गेट दी वैल्यू दैट इज ऑल्सो करें। लेकिन अगर हम वाई कुछ एलिमिनेट कर दिया, वाई टर्म को एलिमिनेट कर दिया, तो सीधा अपने को एक्स आ जाता, एक्स इज नथिंग बट इनकम, तो यहाँ पर शॉर्ट हो जाता। देयरफॉर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी है माँ, फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है माँ, 9x। एवरीथिंग इज देयर इन पीडीएफ डिटेल में है, 9 × 2000 दैट इज 18,000 रुपीज, 18,000 इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। सिमिलरली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन कैसा करेंगे माँ, सेकेंड पर्सन की इनकम कितनी है, हम सपोज कर रहे थे 7x, दैट इज 7 × 2000 दैट इज नथिंग बट 14,000 रुपीज, 14,000। देयरफॉर द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 18,000 एंड इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इज 14,000। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। या सेकेंड क्वेश्चन, आई जस्ट रीड द क्वेश्चन फॉर यू ऑल, कीप द टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स एंड द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। सम किसका बोल रहा हूँ, टू डिजिट नंबर जो आप सपोज कर रहे हैं और उसका रिवर्स इज 66। यू लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली। द सम किसका बोल रहा हूँ, टू डिजिट नंबर का सम एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। दिस इज योर इक्वेशन वन। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय टू, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। फाइंड द नंबर्स ओके। सी लेट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस बी एक्स एंड द डिजिट इन द टेंस प्लेस बी वाई। देखिए यूनिट के प्लेस में एक्स और टेंस के प्लेस में वाई, तो अपना ओरिजिनल नंबर क्या हो जाता, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाता, देखो माँ 10y + x। 10y कैसा होता माँ, टेंस की प्लेस में है। आप लोग ये बचपन में पढ़े थे एक्सपेंडेड फॉर्म 45 कैसा पढ़े मैं, 40 + 5 कैसा पढ़े थे माँ, 40 + 5 दैट इज 4 × 10 + 5 पढ़े थे। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हम यहाँ पर वेरिएबल्स में कर रहे हैं, ओके। सो वी गॉट ओरिजिनल नंबर एज 10y + x। अब रिवर्स द नंबर, आप नंबर को रिवर्स कर दे रहे हैं, 10 ये x की जगह y और y की जगह x डाल देना। इन दोनों का सम बोल रहा, सम ऑफ ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर, ये लोगों का अब हमको ये दोनों का सम फाइंड करना है, दैट इज 10y + x + 10x + y इज इक्वल्स टू 66। सम ऑफ दिस इज गिवन एज 66, ये आपको दे दिया। अब ऐड कर लो माँ, x के लाइक फ्रैक्शंस 10 + 1 दैट इज नथिंग बट 11x + 11y इज इक्वल्स टू 66। 10 + 1 = 11, 10 + 1 = 11 डिवाइड थ्रू आउट बाई 11, x + y इज इक्वल्स टू 6। दिस इज योर इक्वेशन वन। इक्वेशन वन आ गया। नाउ मूव टू द सेकेंड इक्वेशन। डिजिट्स डिफर मतलब डिफरेंस, माइनस डिफर बाय टू दैट इज x - y इज इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वेशन टू। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सॉल्विंग 1 एंड 2 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सॉल्विंग 1 एंड 2
Yeah. 2x is equals to 6 plus 2 is 8. So x is equals to 8 by 2. 2 ones are 2 fours are. So x is equals to 4. Now substituting x is equals to 4 in equation 1. So x plus y is equals to 6. 4 plus y is equals to 6. Y is equals to 6 minus 4. So y is equals to 2. Therefore, the number is, हम number क्या suppose कर रहे थे मैम? हम number क्या suppose कर रहे थे? Unit के place में x और tens के place में y. तो नंबर क्या आ गया हम अपना 24. ओके ये तो आ गया. अब आप लोगों होमवर्क में क्या करना है मालूम है? सी द डिजिट्स आर डिफर बाय 2. तो मैं यहां पर x माइनस y ली. अब आप लोग होमवर्क में y माइनस x इज इक्वल टू, देखो डिजिट्स कैन बी एनीथिंग, आप कौन से भी डिजिट्स को माइनस कर रहे तो भी द डिजिट्स डिफर बाय 2 बोला. अब मैं y माइनस x इज इक्वल टू 2, आप लोग एज एन होमवर्क यू आर गोइंग टू डू इट. देखो मैम, अब यहाँ पर क्या है हमारा डिजिट्स डिफर बाय 2. हम पहले कंडीशन में क्या लिए थे? हम पहले कंडीशन में लिए थे x माइनस y इज इक्वल्स टू 2. अब सेकेंड केस में क्या ले रहे हैं हम? y माइनस x इज इक्वल्स टू 2. अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? सॉल्विंग x प्लस y इज इक्वल्स टू 6, एंड इसको आप अरेंज कर लो, माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 होता ना, सो माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 2. अब होमवर्क क्या दो मैं ही कर देती हूँ, प्लस माइनस कैंसिल, 2y इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 8 बाय 2 दैट इज 4. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 4 इन एनी इक्वेशन दैट इज x प्लस y इज इक्वल्स टू 6. सो x प्लस 4 is equals to 6, x plus y is equals to 6, x is equals to 6 minus 4, x is equals to 2. Therefore, अब इसमें नंबर क्या आ गया हमारा? Therefore, the number is अपना y, x है, that is 42. दो केसेस फाइंड करना है हमारा, क्यों? आप लास्ट वाला देखिए, आप लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा? How many such numbers are there? So, there are हाउ मेनी सच नंबर्स आ दे, तो इसलिए हम दो भी कंडीशन लिए, y माइनस x इज इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस y इज इक्वल्स टू 2. इज इट क्लियर? दिस इज, लेट्स डू दी वन मोर, लेट्स कम, आई डोंट नो वेदर, ओके फाइन, दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय.